पूरे देश के किसानों की इस वक्त एक मांग है कि एमएसपी गारंटी कानून दिया जाना चाहिए और C2+50% के फॉर्मूले से एमएसपी निर्धारित होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती है कि इतनी जल्दी कैसे संभव है, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अध्यादेश ला के रातों रात पलट देती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसी तरह से अध्यादेश ला करके एमएसपी गारंटी कानून को भी लागू किया जा सकता है और C2+50% के फॉर्मूले को भी लागू किया जा सकता है। हमारी सरकार से मांग है, लोकसभा चुनाव में जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमएसपी गारंटी कानून की किसानों की मांग पूरी करे, C2+50% का फॉर्मूला पूरी तरह से लागू किया जाए और झज्जर में भी जो स्थानीय किसान अपने धरने को लेकर के, अपनी मांग को लेकर के बैठे हुए हैं कि हाई टेंशन केबल खेत में से बिना कोई नोटिस दिए हुए, बिना कोई पूर्व सूचना दिए हुए, असेंशियल सर्विस बता के कहीं पे भी किसी भी किसान के खेत में आप हाई टेंशन केबल के खंभे लगा देंगे बड़े बड़े और उसको ये कहेंगे कि आपको ये मुआवजा दिया जाएगा, लेना है तो लो, नहीं तो कुछ नहीं कर सकता है किसान, ऐसी स्थिति में उनकी मांग को भी सुना जाना चाहिए और उनको जो जायज उनका हक है मुआवजे का वो मिलना चाहिए। और अगर सरकार को उनकी जमीन को इस्तेमाल करना है तो फिर उनका मंथली रेंट बांध दीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।